नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। उत्तर कोरिया ने दागी जापान की ओर चार मिसाइल, मचा हड़कंप। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार सुबह परमाणु हथियारों से लैस चार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिनमें से तीन तो जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी है। आबे ने कहा कि यह ताजा परीक्षण उत्तर कोरिया के उत्तेजक मिसाइल परीक्षणों की एक नई श्रृंखला में नवीनतम है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का भी कहना है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को एक अज्ञात मिसाइल छोड़ी है जो जापान के समंदर में गिरी है। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार ये बैलिस्टिक मिसाइलें चीन से सटे उत्तरी कोरिया की सीमा के नजदीक टोंगचेंगरी इलाके से छोड़ी गई है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया तब लगातार इस तरह के परीक्षण कर रहा है जब संयुक्त राष्ट्र ने उन मिसाइल पर परमाणु तकनीक परीक्षण करने पर रोक लगाई हुई है। जापानी अधिकारियों ने उत्तर कोरिया के इन ताजा मिसाइल परीक्षणों को गंभीर खतरा बताते हुए इसका पुरजोर विरोध करने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने उत्तर कोरिया ने कहा था कि उन्होंने देश के शीर्ष नेता किम जोंग उन की देखरेख में एक नए तरह के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद उत्तर कोरिया का पहला मिसाइल परीक्षण था। सोल एएफसी एजेंसी के अनुसार प्योंगयांग ने पिछले महीने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जो अक्टूबर के बाद दागी गई पहली मिसाइल थी। सोल ने इसके बारे में कहा था कि यह मिसाइल दागने का मकसद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन की प्रतिक्रिया को परखना था। ये मिसाइलें पूर्वी सागर में दागी गई है। पूर्वी सागर को जापान सागर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका और जानकारी के लिए डेटा पर नजर रखने की खातिर गहनता से विश्लेषण कर रहे हैं। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस माह होगी भारत पाक की लाहौर में सिंधु जल संधि पर वार्ता। अटारी बॉर्डर के सबसे ऊंचे फ्लैग मास्ट पर लहराया तिरंगा, लाहौर से भी दिखेगा। केजरीवाल ने कहा एमसीडी चुनाव जीतने पर दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे। नस्लीय हमलों पर अमेरिका का भारतीय पीड़ितों के लिए जल्द न्याय का आश्वासन। इस साल के अंत तक नौसेना में शामिल हो सकती है अत्याधुनिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी।